बाण गंगा के सबसे पहले चरण पर हम लोग आ चुके हैं, जिसे बोलते हैं फ्रिस्किंग पॉइंट, जो कि आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। इसे बोला जाता है बाण गंगा का चेक पोस्ट पॉइंट, और इसी के बाद से हम अंदर की चीजों को देख सकते हैं। और ये वही पॉइंट है जहां पर ऑटो वगैरह लास्ट में आपको छोड़ देंगे, और इसके बाद आपकी जो पूरी जर्नी है वो पैदल या फिर खच्चर और घोड़ों के साथ में होने वाली है। अब चलते दोस्तों हम और आगे की तरफ। दोस्तों फाइनली चेकिंग करवाने के बाद में अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। जय माता दी, आप सभी का स्वागत है। ये सभी वो यात्रीगण हैं जो यात्रा पूरी कर वापस आ रहे हैं, और इनको जो कार्ड दिया गया था RFID, उसको यहाँ पर सबमिट करवाना ज़रूरी होता है। तो आप इस भीड़ से अनुमान लगा सकते हो कि रोज यहाँ पर कितने हजारों लाखों जो दर्शक हैं, सैलानी हैं, वो आते हैं। और ये अभी रास्ता जो है वो प्रॉपर डिवाइड किया गया है, जाने वालों के लिए ये रास्ता है और आने वालों के लिए ये वाला रास्ता बना हुआ है। ऊपर की तरफ प्रॉपर कवरिंग वगैरह है, तो बारिश के समय से हम इसमें बच सकते हैं, धूप छांव इन सभी से हमें बचाव हो जाता है। कितना चार्ज है इसका? 540 रुपए एक बच्चे के लिए। और आना जाना या सिर्फ जाना जाना? एक साइड से जाना जाना, एक साइड से। अच्छा, एक तरफ जाने का 540 रुपए फिक्स प्राइस है ये वाला। तो बच्चों की बग्गी है ये वाली, 540 रुपए इसका फिक्स प्राइस है। यहाँ पर है ना कुछ चीजें हैं जिनको आपको फोकस करना है। यहाँ लिखा नया रास्ता ताराकोट मार्ग, भवन का रास्ता। और ये भैया घोड़े के लिए बता रहे हैं, घोड़े का क्या रेट है भैया? घोड़े का रेट फिक्स प्राइस है जाने जाने का? कहाँ तक का घोड़े का क्या रेट है भैया? भवन तक का? भवन तक का? तो भवन तक का जो रेट है वो 1250 रुपए है, घोड़े में आप जा सकते हो। और अभी ये पॉइंट है आपका बाण गंगा। दोस्तों देखो कितने सारे जो घोड़े हैं, जो यात्री हैं, वो अपनी यात्रा पूरी करके वापस भी आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि जो ये ड्रिंकिंग वाटर बनाया गया, ये पहाड़ का पानी है, ये देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। तो आप कभी यहाँ पे आते हैं तो इस पानी को भी चखें और पहाड़ के पानी का आनंद लें। छोटे बड़े काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, भगवान विष्णु के 10वें अवतार। और गुलशन कुमार टी सीरीज कंपनी शोरूम, यहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, जिसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो माता रानी के दरबार का, या फिर जो कहते हैं ना एक हॉलिस्टिक, जो एक कहते हैं कि पवित्र जो बैकग्राउंड है, वो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके उस चीज़ को कैप्चर करवा सकते हैं। तो काफ़ी सारे रास्ते हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। तो भाई जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो अपने साथ में लाठी वगैरह ज़रूर लें, क्योंकि भाई रास्ता धीरे धीरे कठिन भी हो जाएगा, लेकिन माता रानी का नाम लेके अगर आप जाएंगे तो आपको आसानी भी होने वाली है। तो अभी भीड़ दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है। ये आने वाले यात्री हैं और ये माता दर्शन, और यहाँ से हम जिन यात्रियों को देख रहे हैं ये सब वो यात्री हैं जो माता के दरबार में जा रहे हैं। और ये भी रात का वक्त है, तो 24 घंटे यहाँ पे यात्रा चलती है। अब थोड़ा आगे अंधेरा हो जाएगा, आगे कैप्चर करेंगे। दोस्तों ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से आपको पोनी पालकी और ये घोड़े वगैरह की जो सर्विस होती है वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो घोड़े हैं वो खड़े हुए हैं, और इनका जो रेट है वेट के हिसाब से यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। और इसके साथ साथ में यदि आप इस तरफ देखते हैं तो आपको और भी अच्छे तरीके से इनकी जो रेट लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये बुकिंग काउंटर है, ये भैया है। ये भैया रोज कितने लोग आ जाते हैं तकरीबन यहाँ पे? कितने? 10,000 जो मतलब बुक करके जाते हैं ये? हाँ जी, 7-8 हज़ार। और टोटल लोगों की संख्या? ठीक है, तो भैया ने हमें बताया कि 30 से 50 हज़ार लोग यहाँ पे तकरीबन रोज आते हैं, और 7-8 हज़ार लोग हैं जो रोज यहाँ पर बुक करते हैं पालकी वगैरह और घोड़ा गाड़ी वगैरह। आगे चलते हैं दोस्तों।